रोजमर्रा के काम हर कोई करता है, लेकिन साथ ही साथ उन कामों के साथ, चाहे घर की बात करूं चाहे बाहर की बात करूं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहता है। लाइफ में बहुत सारी दुविधाएं भी रहती हैं, लेकिन करनाल वासियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका जो है आने वाला है। ब्रह्म कुमारीज आश्रम में सेक्टर सेवन के बैक साइड, जो कि साईं बाबा मंदिर के नज़दीक है, वहाँ पर 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक श्रीमद् भागवत गीता के जो है प्रवचन रहने वाले। और मुझे लगता है सभी करनाल वासियों को यहाँ पर बढ़ चढ़ कर पहुँचना चाहिए, जो स्पेशली कर्नाटका से जो हैं वीना बहन जी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और अपने प्रवचन आप लोगों को देगी। मुझे लगता है बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो ब्रह्म कुमारी आश्रम से हमारे साथ दीदी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे करनाल वासियों को इस श्रीमद् भागवत गीता के जो प्रवचन यहाँ पर होने वाले हैं? ओम शांति। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम सभी के सामने आ रहा है। 24 से 26 मार्च शुक्रवार, शनिवार और रविवार 5:30 से 7 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। और इस कार्यक्रम में खास कर्नाटका सिरसी से हमारी आदरणीय वीना दीदी जी, जो कि हमारी संस्था के एक प्रबुद्ध वक्ता हैं और श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है और बहुत ही सुंदर उनका वक्तव्य श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर होता है। जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अथवा जो मन मना भव कहा है, अथवा देहे और देहे के सब संबंधों को भूल, अपने आप को आत्मा निश्चय कर, मुझ एक को याद कर, तो मैं तेरे सारे जन्म जन्म के पापों को भस्म कर दूंगा। ऐसा परमपिता परमात्मा ने फर्स्ट पर्सन में श्रीमद् भागवत गीता में जो ज्ञान दिया है, बहुत ही गुह्य ज्ञान है। और ये कर्म योगी बनने के लिए बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो ज्ञान दिया है, उसकी बहुत अच्छे ढंग से हम सभी के समक्ष वो व्याख्या करने वाली हैं। हमारे भारत देश के अलग अलग बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर जाकर के वो हज़ारों की तादाद में एकत्रित हुए जन समूह के समक्ष अपने प्रवचन करती ही रहती हैं। इसी बात को देखकर हमारे मन में भी ये संकल्प आया, क्यों ना करनाल के जो हमारे भाई और बहनें हैं, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, सदा ही हमने देखा है किस तरह से बाहर से जब कोई प्रवचन करने आता है तो बड़ी श्रद्धा भावना और लगन से उस प्रवचन को सुनने के लिए हर कोई यहाँ पर पहुँचता है। तो श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा जीवन की सर्व समस्याओं का समाधान, इस टॉपिक को लेकर के हमने ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि नज़दीक साईं बाबा मंदिर बिहाइंड सेक्टर 7 है, इसके सामने जो खुला स्थान है, इस खुले स्थान में यानी इस बड़े से पार्क के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। हज़ारों लोग एक साथ यहाँ पर बैठकर जो है आराम से प्रवचन सुन सकते हैं। तो मैं सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ, करनाल वासियों से, कि आप सभी अवश्य अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा बहुत समय निकाल के इन 3 दिनों के लिए आप अवश्य पधारें 5 से 7 बजे, जिसमें कि प्रतिदिन अलग अलग हमारे गेस्ट भी हैं, जैसे कि करनाल के हमारे आदरणीय मेयर रेणु बाला गुप्ता जी फर्स्ट डे मुख्य अतिथि हैं, और हमारे श्री हरविंदर कल्याण जी घरौंडा विधायक, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसी तरह से दूसरे दिन भ्राता प्रीतपाल सिंह पन्नू जी निफा चेयरमैन चीफ गेस्ट हैं, और डॉक्टर प्रभजोत कौर जी, जो कि गुरु नानक हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, वो रहेंगी अध्यक्ष के रूप में। और तीसरे दिन IMA के प्रेसिडेंट और एडवोकेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन के, संदीप चौधरी जी, वो यहाँ पर रहेंगे अध्यक्ष के रूप में। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। तो पुनः मेरा सभी से यही अनुरोध है और आग्रह भी है और निमंत्रण भी है कि सभी अवश्य इस कार्यक्रम में पहुँचे। धन्यवाद। ओम शांति। जी हाँ, कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचे। जिस तरीके से दीदी ने बोला कि अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम ज़रूर निकालें, हम दूसरों को समझने में अपना वक्त तो निकाल देते हैं, लेकिन खुद को समझने में, अपनी अंतरात्मा को, अपने दिमाग को, आजकल बहुत से लोग, आप लोगों को पता है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, थेरेपीज लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, तो मुझे लगता है
थोड़ा सा हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जाना चाहिए और एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है करनाल वासियों को। 24 से 26 मार्च 3 दिन के श्रीमद् भागवत गीता प्रचार, यहाँ पर आप लोगों को प्रवचन सुनने को मिलेंगे। वीना बहन जी, वीना दीदी जो है यहाँ पर पहुँचने वाली हैं कर्नाटका से, और सेक्टर 7 के बैक साइड साईं बाबा मंदिर के नज़दीक ब्रह्म कुमारी आश्रम के ये पार्क में आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, बाहर यहीं पर जो है आप लोगों को प्रवचन सुनाए जाएंगे। थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए अपने लिए, अपने परिवार को भी साथ में लेकर एक बार ज़रूर पहुँचिए। कीर्ति कथूरिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।